अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कलंक ड्रामे के एपिसोड के बारे में बताऊंगी कि सारा बहुत परेशान है, जबकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। तो अब वो बाहर से लती पती पड़ी हुई है। दूसरी तरफ जुरैया से उसकी माँ कहती है कि तुम अब ज़्यादा से ज़्यादा बहाज के नज़दीक हो, वरना सारा अपने आंसुओं से उसे समेट लेगी और उससे हमदर्दी बटोरेगी। तो वो कहती है कि माँ हमारे, वो कहती है तुम जल्दी से माँ बन जाओ। तो वो कहती है माँ हमारे दरमियान अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसी कोशिश करो कि बहाज तुम्हारे नज़दीक आ जाए। दूसरी तरफ वहाज सारा से कहता है कि ये लो तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के पैसों में से कुछ पैसे बचे हैं, रख लो। तो वो ले लेती, इतने में जुरैया उसे देख रही होती है तो वो नीचे आ जाती है। अब सारा तैयार हो। दूसरी तरफ दानियाल सर को पता चलता है कि सारे के बाप की वफात हो गई है, तो वो बहुत परेशान होता है। तो दूसरी तरफ वो फिर क्या करता है, अपनी माँ की कब्र पर चला जाता है, परेशान होता है। तो सारा जो है उसकी माँ कपड़े धोने लगती है, तो उसकी पुप्पू आकर कहती है मेरे भी दो कपड़े धो दो। इतने में सारा तैयार होकर ऑफ़िस जाने के लिए नीचे आ रही होती है, तो उसकी पुप्पू कहती है कि तुमने इसे इजाज़त दे दी ऑफ़िस जाने की, तुम इसे इसका ब्याह करो और इसे चलता करो यहाँ से। तो वो सारा कहती है कि तुम कौन होती हमारे घर के मामले में बोलने वाली। उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और उसकी पुप्पू गुस्से से अपने कपड़े वापस ले जाती है, जिस पर सारा की माँ कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब सारा ऑफ़िस जाती है तो उसे वापस पैसे देती है, तो कहता है नहीं तुम रख लो कोई बात नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में बताया जा रहा था कि सारा की माँ उससे माफ़ियाँ मांग रही है, उसे कहती है कि बस मेरी बेटी की जान छोड़ दो और उससे इतना बदनाम मत करो कि वो मोहल्ले में रहने के काबिल ना हो, हमें जलील ना करो। तो वो सारा जुरैया की माँ जुरैया के घर जा कर के वहाज और उसकी माँ से कहती है कि पता नहीं ऑफ़िस में क्या है, ये जो जाती रहती है।